अपने क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कौन सी तकनीक हमारे लिए उपयोगी होगी इसके बारे में सोचें और उसी के अनुसार युवाओं में नई प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करें, ऐसा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने कहा। विदर डिफेंस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, यंत्र इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित वैदिक महिंद्रा कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। जिला परिषद के स्कूल में शुरू की गई आयुध निर्माणी अब्बासरी क्षेत्र आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, नितिन गडकरी ने निरीक्षण किया। इस परियोजना को विदर्भ डिफेंस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, यंत्र इंडिया लिमिटेड के प्रयासों और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के सहयोग से साकार किया गया है। इस अवसर पर अलायंस ऑफ इंडियन MSME के संस्थापक अध्यक्ष एवं भारत सरकार के MSME के पूर्व सचिव दिरेश राय, NSDC नई दिल्ली के उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना पाटनकर, महिंद्रा ट्रैक्टर्स M&M लिमिटेड के सीनियर VP मैन्युफैक्चरिंग नचिकेत कोडकानी, यंत्र इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अंजन कुमार मिश्रा, VDI के अध्यक्ष मेजर जनरल अनिल बम, वैदिक के अध्यक्ष दिलीप गोंडानाले, VIDA वैदिक कॉम्बिनेशन के दुष्यंत देशपांडे, NSDC सलाहकार डॉक्टर कपिल चंद्रयान व अन्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। गडकरी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में जिस जनशक्ति की आवश्यकता होगी उसके अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, इससे बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होगा। देश को पेट्रोल डीजल मुक्त बनाने का लक्ष्य बताते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए जल्द ही आउटर रिंग रोड पर नई तकनीक वाली 132 सीटों वाली ट्रॉली बस शुरू की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन योगिता कस्तूरी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन दुष्यंत देशपांडे ने किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर।